नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब उनका अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। संभल सांसद बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को सही करार दिया। सांसद शफीकुर रहमान का कहना है कि अफगानिस्तान की आजादी अफगानिस्तान का अपना मामला है, अफगानिस्तान में अमेरिका की हुक्मरानी क्यों? उन्होंने कहा कि तालिबान वहां की ताकत है, अमेरिका रूस के तालिबान ने पैर नहीं जमने दिए। तालिबान की अगुवाई में अफगान आजादी चाहते हैं। भारत में ही अंग्रेजों से पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी। रहा सवाल हिंदुस्तान का, तो यहां कोई कब्जा करने अगर आएगा तो उससे लड़ने के लिए देश मजबूत है। तो सपा सांसद का एक बयान इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, जिसके बाद अब इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा जो तालिबान का मुद्दा इस वक्त बना हुआ है, जो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का मुद्दा बना है, इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बयान जारी करते हुए संभल सांसद बर्क ने बोला है कि तालिबान का कब्जा एकदम सही है। सांसद का कहना है कि अफगानिस्तान की आजादी सिर्फ अफगानिस्तान का अपना मामला है, अफगानिस्तान में अमेरिका की हुक्मरानी क्यों चल रही है? ऐसे में तालिबान ने उन्हें अफगानी लोगों को आजाद कराने का काम किया है। ऐसे पूरे मामले में अमेरिका और रूस जिस प्रकार से सामने आया था, ऐसे में तालिबान की कार्यवाही बिल्कुल ठीक है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद शहबाज से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां सपा सांसद का तालिबान को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है, जहां पर उन्होंने अफगानिस्तान की आजादी के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तालिबान का कब्जा बेहद सही है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, जिस तरह से सांसद शफीकुर रहमान का विवादित बयान सामने आया है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि शफीकुर रहमान बर्क जो हैं वो काफी अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने वहीं एक बार फिर अफगानिस्तान को लेकर ये जिस तरीके से तालिबान का जो कब्जा हुआ है उस पर सपोर्ट करा है तालिबान का, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बयान आता है शफीकुर रहमान की तरफ से। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, काफी पुराने दिग्गज नेताओं में इनकी गिनती होती है, और इसी तरीके विवादित बयान जो है वो चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने ये बोल दिया है कि अफगानिस्तान की आजादी जो है वो अफगानिस्तान का अपना मामला है, और अफगानिस्तान में अमेरिका की हुक्मरानी क्यों है, तो इन सब चीजों को लेकर उन्होंने अमेरिका पर और अफगानिस्तान उसके तालिबान के कब्जे को सही करार दिया है। जी, काफी दिनों से वहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं जो काफी विचलित करने वाली है, वहां के नागरिक जो खौफ में इस वक्त है, ऐसे में इस गंभीर मुद्दे पर सांसद का इस प्रकार से बयान देना, किस प्रकार से देखते हैं आप? कहीं जिस तरीके से एक देश पे इस तरीके से तालिबानी कब्जा हो जाना, तो और इस मसले पर, इतने गंभीर मसले पर इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं काफी गलत साबित हो जाता है, क्योंकि एक नेता जो होता है उसके काफी फॉलोअर्स होते हैं, उसको काफी लोग फॉलो कर रहे होते हैं, और इस तरीके के बयानों से समाज पर काफी असर पड़ता है। अफगानिस्तान का जो मसला है इस पर इस पूरे देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की निगाहें जो है वो बनी हुई है कि किस तरीके से ये अफगानिस्तान का जो है वो अफगानिस्तान पर तालिबान का जो कब्जा है वो लगातार हो गया, और लगातार बर्बरता की जो तस्वीरें हैं वो हम सबके सामने हैं, और लगातार तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि कितने लोग न जाने कहां कहां से जो वहां पर अफगानिस्तान में रह रहे थे रोजी रोटी के लिए, वो अब अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये डर सता रहा है कि तालिबान जो है वो आने वाले समय में अफगानिस्तान का क्या हाल करेगा, क्योंकि शरीयत कानून जो है उसको लागू करने की एक बार फिर से जो आवाज है वहां बुलंद होने लगी है। लगातार वहां पर तालिबानों द्वारा जो है चेक पोस्ट बनाए गए हैं, चेक पोस्ट पर लोगों की जो चेकिंग की जा रही है, अगर जो लोग सही नहीं पाए जा रहे हैं उनको गोली मार, तो इस तरीके की तमाम ऐसी घटनाएं हो रही जिससे आदमी जो है वो काफी डरा हुआ है। जी, इस वक्त सपा सांसद का विवादित बयान सामने आया है, ऐसे में बयान सामने आने के बाद से क्या कुछ विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में देखने को मिली है?
जी अभी तो फिलहाल किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन पर इस तरीके का बयानबाजी देने से बचने का आरोप लगाया गया, बचने के लिए बोला गया है कि शफीकुर रहमान को इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी इतनी गंभीर मसले पर। जी अनुष्का, बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां सपा सांसद का एक विवादित बयान इस वक्त देखने को मिला है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ अफगानिस्तान में इस वक्त काफी चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बक्स ने एक विवादित बयान जारी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तालिबान का कब्जा बेहद सही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अफगानिस्तान की आजादी अफगानिस्तान का अपना मामला है, वहीं अफगानिस्तान में अमेरिका की हुक्मरानी क्यों है, ऐसे में तालिबान ने अफगानिस्तान को आजाद करवाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां सपा सांसद का एक विवादित बयान सामने आया है। आपको बता दें कि शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि अमेरिका रूस के तालिबान ने पैर अफगानिस्तान में जमने नहीं दिए हैं, जिसके बाद तालिबान की अगुवाई में अफगान आजादी चाहता है। वहीं उन्होंने कहा है कि भारत में भी अंग्रेजों ने पूरे देश और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है इस वक्त कांग्रेस विधानमंडल सदस्य आराधना मिश्रा जुड़ चुकी है। तो आराधना मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का तालिबान को लेकर एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा करना बेहद सही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, क्योंकि सदन की कार्यवाही चली, मैंने माननीय सदस्य का बयान देखा नहीं है, पर जो आपने आपके न्यूज चैनल पे आपने मुझे अवगत कराया, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, और जिस तरह से एक राष्ट्र पे कब्जा किया गया है वो मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद है, और इसका समर्थन कोई भी विकसित देश या कोई भी व्यक्ति इसका समर्थन नहीं कर सकता, और खासकर देश हमारा भारत देश जो हमेशा शांति की बात करता रहा है, हम में से किसी को भी जो वहाँ लोग जिनकी क्षति हुई है, वहाँ के नागरिक थे, हम सब उस पर संवेदना भी व्यक्त करते हैं, और मैं मानती हूँ कि इस तरह की ताकतों को अगर उभरेंगी तो वो देश केवल किसी एक देश के लिए नहीं, वो पूरे विश्व के लिए आने वाले समय में बहुत घातक होगा। आराधना मिश्रा जी, जिस तरह से पूरा हम लोगों ने मामला देखा है, जहां पर बीते दिनों तस्वीरें देखी थी जो काफी काफी विचलित करने वाली थी, ऐसे में एक गंभीर समस्या एक और है कि अफगानिस्तान में काफी भारतीय मौजूद हैं, 200 से ज्यादा कर्मचारी वहां पर अभी इकट्ठे हैं, वहां वहीं बात करें तो सिख समुदाय के काफी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, ऐसे में भारत सरकार से आपकी क्या कुछ अपील रहने वाली है, क्या कुछ आप उनको वहां से सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए किस तरह से अपनी आवाज उठाएंगे? देखिए, हम लोगों ने लगातार ये बात कही जब से ये वहाँ पे इस तरह की संवेदनहीनता देखी हम लोगों ने न्यूज चैनल के माध्यम से, तो एक चिंता हम सबकी है कि जो हमारे देश के नागरिक वहाँ हैं वो हमारे देश की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री जी की और फॉरेन मिनिस्टर की, कि जो लोग भी वहाँ फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित और सम्मान वहां से लाया जाए। जितना जो मेरी जानकारी, आज एक हवाई जहाज जिसमें लगभग 150 यात्री बैठे थे वो पहली खेप वहां से आई है, तो हर प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की है, और हम सब यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि सब सकुशल वहां से आ जाए और कोई क्षति ना हो उनको, और केंद्र सरकार को प्राथमिकता के आधार पर वहां पे इवैक्यूएशन तत्काल कर देना चाहिए और उनको सुरक्षित ले आना चाहिए वापस। आराधना मिश्रा जी, जिस तरह से एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा इस वक्त सामने आया है, इतना गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील भी है, क्योंकि वहां काफी भारतीय भी फंसे हुए हैं, वहां के नागरिकों की जान पर बनी हुई है, तस्वीरें हमने देखी जहां पर विमान में जिस तरह से तस्वीरें देखी गई कि विमान से लोग गिरते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी दर्दनाक मौत हो रही है, ऐसे में सपा सांसद का इस तरह से बयान देना किस प्रकार से देखती हैं आप? दोहराऊंगी क्योंकि मैंने कोई उनका बयान नहीं देखा है, पर जो आपकी जानकारी आप मुझे दे रही हैं, मैं उसको पहले ही उसका कह चुकी हूँ कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है,
ये जो देश के हमारे नागरिक फंसे, हमें उनकी सुरक्षा को देखना प्राथमिकता है हमारी, और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमको इस बात को, क्योंकि एक विकासशील देश है, हम सब विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, भारत देश भी कई फोरम पे है, सदस्य है, तो इसलिए हम सबकी, भारत की भी जिम्मेदारी है कि इस बड़ी जो एक परिस्थिति पैदा हो गई है इंटरनेशनल लेवल पे, इसमें जो भी संभावना हो, इस पूरी घटनाक्रम को हम सबको इस पे बहुत ही, पूरे विश्व के जितने भी लीडर्स हैं उनको इस पे चर्चा करनी चाहिए और किस तरह से स्थिति को नियंत्रित किया जाए, और वहां के भी लोग, खाली भारत देश के लोग नहीं, अन्य देश के लोग भी वहां मौजूद हैं, और वहां के खुद के अफगानी लोग जो हैं उनकी सुरक्षा और खासकर वहां की महिलाओं की सुरक्षा, इसको सुनिश्चित करना, इस पे चिंतन करना, ये मुझे लगता है कि नेशनल लीडर्स की जिम्मेदारी भी है। राधा मिश्रा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता राधा मिश्रा जुड़ी हुई थी, जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी। आपको बता दें कि खबर सामने आई है जहां सपा सांसद का तालिबान के सपोर्ट में नजर आए हैं, जिस पर राधा मिश्रा अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी, जिसपे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बयान जारी करना बेहद ही गलत है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहाँ सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने तालिबान का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान को आजादी दिलवाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा सांसद पर इस वक्त बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा सही है। और खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।